अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड साइंस ग्रेड 4 के यूनिट नंबर 6 विच इज़ फोर्स एंड मोशन को स्टडी करेंगे। सो किड्स, मूव ऑन टू पेज नंबर 57। द फर्स्ट टॉपिक इज़ फोर्स। वी सी मैनी ऑब्जेक्ट्स मूविंग अराउंड अस, सच एज अ कार, ट्रेन, मोटर बाइक, बाइसिकल एट्सेट्रा, एज वेल एज पीपल सच एज चिल्ड्रन जंपिंग ओवर द हर्डल्स, पीपल वॉकिंग। ऑब्जेक्ट्स कैन बी मूव्ड बाई पुशिंग और पुलिंग। इसमें वो ये कह रहे हैं कि आपने अपने इर्द गिर्द देखा है कि बहुत से लोग हर वक्त कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई जंपिंग कर रहा है, कोई कार मूव कर रही है, कोई ट्रेन मूव कर रही है। तो इन सब को चलाने के लिए पीछे एक फोर्स है, और उस फोर्स का क्या नाम है वो आगे हम फर्दर इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फोर्सेज, वी कैन मूव एन ऑब्जेक्ट और स्टॉप बाई मूविंग ऑब्जेक्ट बाई अप्लाइंग फोर्स ऑन देम। पुशिंग एंड पुलिंग इज अ पार्ट ऑफ अ डेली लाइफ। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए या रोकने के लिए हम जो फोर्स यूज़ करते हैं, उस फोर्स को हम पुश फोर्स कहते हैं या पुल फोर्स कहते हैं। पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धकेलना। इन दोनों फोर्सेस को यूज़ करते हुए हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे काम करते हैं। अ हॉकर पुशेज हिज कार्ट टू मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सिमिलरली, ओपनिंग और क्लोजिंग अ डोर, पुशिंग और पुलिंग अ चेयर, हिटिंग अ बॉल एंड लिफ्टिंग समथिंग आर डन बाय अप्लाइंग फोर्सेस। इसकी एग्जांपल उन्होंने बुक में दी है कि एक रेड़ी वाला या कोई भी आपके इर्द गिर्द ऐसा इंसान जो कुछ बेच रहा हो किसी भी चीज़ पे रख के, वो क्या करता है, उस हॉकर, वो जो हॉकर है वो उस रेड़ी को धकेल रहा होता है। ये भी एग्जांपल है पुलिंग फोर्स की या पुशिंग फोर्स की। आप बताएं, वो पुल कर रहा है या पुश कर रहा है? अभी मैंने आपको क्या बताया, वो धकेल रहा है, दैट मीन्स वो पुश कर रहा है। इसके अलावा एक और एग्जांपल, आप दरवाज़ा बंद करते हैं, आप एक चेयर को उठाते हैं या खींचते हैं, आप एक बॉल को हिट करते हैं या उठाते हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें एक खास किस्म की फोर्स अप्लाई हो रही है, और उस फोर्स को हम पुश या पुल फोर्स कहते हैं। अब उन्होंने आगे आपको एक बुलेट में ख़ास चीज़ बताई है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। देर इज़ अ डेफिनेशन ऑफ स्पीड। यहाँ पे उन्होंने आपको स्पीड की डेफिनेशन दी है। यू हैव टू राइट इट, यू हैव टू रिवाइज इट एज इट इज। सो द डेफिनेशन इज डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, इन अ फुटबॉल मैच अ प्लेयर पासिस द फुटबॉल टू अदर प्लेयर बाय पुशिंग द बॉल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं कि फोर्स को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फोर्स को हम एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, मतलब एक सिम्त से दूसरी सिम्त में भी भेज सकते हैं, और हम फोर्स की जो मोशन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। लाइक एक फुटबॉल प्लेयर जो है वो एक बॉल को हिट करेगा, वो उसको फॉरवर्ड लेके जाएगा, वो उस बॉल को आगे की तरफ धकेलेगा, जबकि एक दूसरा प्लेयर है वो उसी बॉल को हिट करके आपके राइट या लेफ्ट की तरफ भी धकेल सकता है। तो फोर्स ज़रूरी नहीं सिर्फ एक ही डायरेक्शन, एक ही सिम्त में लगाई जाए, फोर्स को हम कई सिम्तों में लगा सकते। मूव ऑन टू पेज नंबर 58, द सेम टॉपिक। सिमिलरली, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल इट विल बी डीफॉर्म्ड, और व्हेन यू प्रेस एन इन्फ्लेटेड बलून बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव चेंज शेप्स ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड ऑन देम। इसी तरह वो कह रहे हैं कि फोर्स किसी भी चीज़ की जो शेप है, जो शक्ल है, जो साख्त है, उसको बदल भी सकता है। जैसे कि अगर आप खाली बोतल लें, आप किसी भी चीज़ की, कोई भी सोडा बोतल ले लें, जब वो खाली हो जाए आप उसको स्क्वीज़ करें, उसको अपने हाथों की मदद से प्रेस करें, तो क्या आप उसकी शेप में कोई चेंज नज़र आएगा, उसकी साख्त में कोई चेंज नज़र आएगा? ये आपने ऑब्जर्व करना है। जी हाँ, आएगा। तो फोर्स की वजह से ही उस बोतल के अंदर चेंज आ सकता है। इसी तरह अगर आप एक गुब्बारा ले, एक बलून ले, और इसमें हवा भरी हुई हो, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेटेड बलून, जो उन्होंने टर्म यूज़ की है। इसका मतलब यह है कि अगर आप उस हवा के भरे हुए गुब्बारे को अपने हाथ की मदद से प्रेस करेंगे, तो क्या गुब्बारे की साख में कोई चेंज आएगा? जी हाँ, उसकी साख में चेंज आएगा, और ये किस वजह से है, उस फोर्स की वजह से जो आपके हाथों ने उस गुब्बारे के ऊपर अप्लाई की है। Now they have given you an activity, 6.1. Take an inflated balloon, press it between the palms of your hand. What happens to the shape of the balloon? What happens when you remove the hands? What do you conclude? Discuss.
यहाँ पे उन्होंने आपको एक एक्टिविटी बताई है कि आप एक बलून लें, उसको इन्फ्लेट करें, यानी कि उसमें हवा भरें, उसको टाई कर दें, नॉट लगा दें एक तरफ से, ताकि हवा जो है वो गुब्बारे के अंदर से निकल ना सके। अब आप अपने हाथ की मदद से उस गुब्बारे को स्क्वीज करें और छोड़ दें, तो आप क्या कंक्लूड करेंगे, आपने क्या मुशाहिदा किया, आपको क्या नतीजा मिला कि आपने उस गुब्बारे के ऊपर जब फोर्स अप्लाई की तो उसकी शेप में क्या कोई आपको चेंज नज़र आया। दिस इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू, ये आपने अपने घर पे अपने एल्डर्स की मदद से करनी है। नाउ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, अ फोर्स में चेंज और टेंड टू चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। यहाँ पे वो आपको एक इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि फोर्स चेंज करती है या करने की सलाहियत रखती है किसी भी चीज़ की शेप को। किसी भी चीज़ पे अगर आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं या तो उसकी शेप चेंज हो जाती है या फॉर द टाइम बीइंग वो इस तरह की शेप चेंज हो जाएगी कि जब आप उसको छोड़ेंगे फोर्स को तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है। नाउ दे हैव गिवन यू अनदर एक्टिविटी, विच फोर्स पुश और पुल विल बी अप्लाइड टू चेंज द शेप ऑफ इज फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, राइट द आंसर इन योर नोटबुक। यहाँ पे बच्चों आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, आपने उनको देखकर बताना है इस पर कौन सी फोर्स लगेगी, पुश या पुल। पुश मतलब धकेलना, पुल मतलब खींचना। अब यहाँ पे देखें छह तरह के ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, पॉलीथीन बैग, ये जो आम शॉपर बैग हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज स्प्रिंग, स्पंज, जूस बॉक्स, मोल्डिंग क्ले एंड हेयर बैंड। इन तमाम चीज़ों को आप ऑब्जर्व करें, ये तमाम ऐसी अशियाँ हैं जो सबके घर में दस्तयाब होती हैं। आप इन अशिया को अपने सामने रखें और बारी बारी हर एक को पुश या पुल करके देखें कि आप उस पर कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट फॉर यू, ये आप अपने घर में अपने वालिदैन की मदद से भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन, यू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूविंग अराउंड, फॉर एग्जाम्पल मूविंग कार, एन एरोप्लेन, फ्लाइंग इन द एयर, स्विंग्स इन द पार्क एटसेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा मोशन। मोशन कहते हैं हरकत को, मतलब आप अपने इर्द गिर्द डिफरेंट अशिया, डिफरेंट चीज़ों को चलते फिरते देख रहे हैं। ऐसी अशिया जैसे कि हवा में एरोप्लेन उड़ रहा है, एक गाड़ी जो है वो सड़क पर चल रही है, या स्विंग्स झूले पार्क में झूले जा रहे हैं। ये सब एग्जांपल्स हैं मोशन की। मोशन ऐसी हरकत जो चलती हुई चीज की हो उसको हम मोशन कहते हैं। मोशन इज द एक्शन ऑफ चेंजिंग लोकेशन और पोजीशन ऑफ द बॉडी। अगर हम अपनी बॉडी की पोजीशन या शेप चेंज करते हैं इसको भी हम मोशन की कैटेगरी में लाइक करते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन दे मूव, क्या होता है जब कोई भी चीज हरकत करती है। ऑन ऑब्जर्विंग डिफरेंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स यू विल नोटिस दैट ऑब्जेक्ट्स आर चेंजिंग देयर लोकेशन और पोजीशन। अगर आप मुशाहिदा करें तो आपको ये पता चलेगा के मोशन की वजह से, एक हरकत की वजह से चीज़ें जो हैं अपनी लोकेशन और पोजीशन को बदलती हैं। पेज नंबर 59, फॉर एग्जांपल राइडिंग योर बाइक फ्रॉम योर हाउस टू योर फ्रेंड्स हाउस और पुशिंग अ बॉक्स फ्रॉम वन रूम टू अनदर आर ड्यू टू मोशन। आप अपनी बाइक पर अपने घर से अपने दोस्त के घर जाते हैं, ये भी एक मोशन की एग्जाम्पल है। ऑब्वियसली ज़ाहिर है आप हरकत करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। दूसरी एग्जांपल, अगर आप कोई भी डब्बा उसको पुश करके एक कमरे से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, ये भी एग्जांपल है मोशन की। सिमिलरली यू हैव ऑब्जर्व द स्विंग्स इन द पार्क, सम स्विंग्स मूव अप एंड डाउन, सम मूव इन सर्कल एंड सम स्विंग्स मूव फोर्थ एंड बैक। ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स चेंज देयर लोकेशन और पोजिशन बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन देम। इसी तरह आप देखते हैं कि जो झूले हैं, कोई झूल रहा है वो ऊपर नीचे मूव करते हैं, कुछ झूले सर्कल मोशन में मूव करते हैं और कुछ झूले जो हैं वो बैक एंड फोर्थ, यानी कि जैसे पेंडुलम की शेप होती है टू एंड फ्रो, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरह मूव कर रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कोई ना कोई मूवमेंट शो कर रही हैं, और किसकी बेस पे कर रही हैं, क्योंकि हमने इन पे कोई फोर्स अप्लाई की है। नाउ थिंक एंड टेल, ऑब्जर्व पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक इन योर रूम, हाउ डज इट मूव। अगर आपके घर में एक वॉल क्लॉक है उस पर पेंडुलम लगा हुआ है तो आप ये देखें कि पेंडुलम किस तरह मूव कर रहा है, आपने उसकी मूवमेंट बतानी है। एक हिंट मैं आपको देती हूँ, टू एंड फ्रो करेगी या अप एंड डाउन, ये आपने अब देख कर बताना है कि वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूव कर रही है या अप टू डाउन एंड डाउन टू अप, कैसे मूव कर रही है। नाउ एक्टिविटी 6.3, ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट योर होम एंड टेल, अपने इर्द गिर्द घर में डिफरेंट चीज़ों का मुशाहिदा करें और बताएं
विच ऑब्जेक्ट कैन मूव, कौन सी चीज़ें मूव कर सकती हैं यानी कि हरकत कर सकती हैं, मूवमेंट ऑफ विच ऑब्जेक्ट अपवर्ड एंड विच इज़ डाउनवर्ड, किन चीज़ों की जो हरकत हैं वो ऊपर की तरफ हैं और किन चीज़ों की हरकत वो नीचे की तरफ हैं, डज एनी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मूव इन अ सर्कल, और क्या इनमें से कोई अशिया जो हैं वो दायरे में घूम रही हैं, सर्कुलर मोशन में घूम रही हैं। ये तमाम मुशाहिदात आप ख़ुद अपने घर पे, अपने स्कूल में या किसी भी जगह पे, एक ख़ास जगह पे करें जहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिलें जो कि कोई भी मूवमेंट शो कर रही हैं। राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक और अपनी कॉपी में ये तमाम ऑब्जर्वेशंस आप नोट। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।